सो द हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं निकुन सर, आज विजन ई लर्निंग एंड विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपको क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझाने जा रहा हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 2.1 को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बच्चों, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाली हुई है। इस चैप्टर के पीडीएफ फाइल ऑफ टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैंने पीडीएफ फाइल इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाली हुई है, तो प्लीज वहां जाइए, डाउनलोड करिए और इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस जरूर करिए। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर्स के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मीनिंग सीखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशंस? ओके, लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग क्या है बच्चों? लीनियर यानी कि आपको वैसे नाम से उसका मीनिंग पता चल जाता होगा। लीनियर यानी कि लाइन, इक्वेशंस जिसके अंदर इक्वेशन हो इज इक्वल्स टू जैसा वेरिएबल सब कुछ होता है। इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल यानी कि क्या? जिसके अंदर एक ही वेरिएबल, एक ऐसा लाइन, जैसे एग्जांपल ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन जो है उसको यदि एल्जेब्रिक फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर, क्योंकि ये ग्राफिकल फॉर्म है उसका, ये क्या है? ग्राफिकल फॉर्म। तो यदि उसको मैं अल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेशन कर, तो जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इन वन वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि कोई सिंगल लाइन को हम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशंस करेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइक एग्जांपल 4, काफी सारे एग्जांपल इसको लिख सकते हो। 3x plus 5 is equals to 0, या 2x is equals to 5, या 3x plus 4, या 2x plus 4, या 5x plus 2 is equals to 1, ये सारे लीनियर इक्वेशन। पता कैसे चलेगा कि लीनियर इक्वेशन है बच्चों? तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर पावर जो होता है वो 1 होता है, जिसका पावर या जिसको हम डिग्री भी बोल सकते हैं। डिग्री कितनी होती है उसकी? 1। यदि कोई इक्वेशंस की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे बच्चों। यहां आप देख सकते हो ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें x क्या है? तो वेरिएबल। x क्या है बच्चों? वेरिएबल है, x वेरिएबल है। 3 को हम कोफिशिएंट टर्म बोल सकते हैं, को हम कोफिशिएंट टर्म बोल सकते हैं, और 5 को हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। याद रखो बच्चों, x क्या है? वेरिएबल है। तो इक्वेशंस के अंदर डिग्री क्या है, पावर क्या है? 1। वेरिएबल कितना है? 1, और ये इज इक्वल्स टू i, यानी कि उसको हम बोलेंगे इक्वेशन, तो इसलिए उसका नाम बना लीनियर इक्वेशन। तो याद रखो बच्चों, इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां 2 वेरिएबल, इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। क्यों? वेरिएबल तो यहाँ 1 ही है, लेकिन डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये सारे टर्म्स को हम लीनियर इक्वेशन बोल पाएंगे नहीं। यही इस एक चैप्टर्स के अंदर आपको खाली एक वेरिएबल का ही लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है, यानी कि कोई भी इक्वेशन होगा लीनियर इक्वेशन, उसके अंदर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और x की वैल्यू कितनी मिलेगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मिनिमम, एक कोई एक नंबर मिलेगा आपको। ओके, दो या तीन नंबर मिल सकते नहीं। आई होप अब आपको क्लियर होगा लीनियर इक्वेशन इन वरी वेरिएबल कैसे सोल्व किया जाता है। मैं आपको बेसिक हिंट देता हूं। देखो, जैसे एग्जांपल 4 में ऐसा लिख रहा हूं, 2x plus 1 is equal to 0, तो पहले हम क्या करेंगे, एक रूल से जब पॉजिटिव टर्म्स होगा वो नेगेटिव टर्म हो जाता है, जब इज इक्वल टू के इस साइड या उस साइड जाएगा। यदि वो इज इक्वल टू का टर्म्स चेंज करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल 4 ऐसे लिखू मैं, 2x plus 1 is equals to 0, तो प्लस 1 है इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस 1 होगा। तो पॉजिटिव क्या हुआ, इस साइड गया तो माइनस 1। याद रखो, यदि यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब 2x, अब ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है x के साथ,
तो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड, डिवाइड यानी कि डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू माइनस टू चला जाएगा नीचे। ये हुआ आपका ये दोनों स्टेप कि पॉजिटिव प्लस वन इस साइड आया तो माइनस हुआ, और मल्टीप्लाई यानी कि जब कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो डिविजन हो जाएगी। तो बच्चों माइनस होगा तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं ऐसे लिखू 2x 5x माइनस टू इज इक्वल टू 3, तो ये जो माइनस थ्री है वो क्या कहाँ चला है, माइनस टू है कहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड, तो हो जाएगा प्लस टू, तो 3 2 5, तो 5x इज इक्वल टू 5। अब मल्टीप्लाई में है 5 तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू मिले 1। तो ये क्लियर हो चुका है बच्चों। अब डिवाइड में होगा और मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कैसे हो सकता है, जैसे मैं लिखू एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 2 क्या है इज इक्वल टू के डिवाइड में है, तो डिवाइड में है इसलिए वो इस साइड आएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा। याद रखो बच्चों भाई बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस चैप्टर को मैक्सिमम प्रैक्टिस से ही आ सकता है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ऑलवेज फर्स्ट स्टेप हमारा प्लस एंड माइनस का जो भी जुगाड़ है वो कर लो, यानी कि जो भी स्टेप है उसमें प्लस माइनस वाले स्टेप है उसको इज इक्वल टू की साइड उस साइड ले लो, और बाद में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। पहले ऐसे नहीं कर सकते, कैसे, एग्जाम्पल फॉर में दू क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूं कि यहाँ एक्स बाई टू माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आप ये जो 2 है ना उसको इस साइड नहीं ला सकते, आपने किया डिवाइड था तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये रॉन्ग है। याद रखो x बाई टू इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 है यदि मैंने ऐसा किया 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो सही में आपको क्या करना होगा बच्चों, प्लस 3 को पहले लाना है इस साइड, याद रखो प्लस 3 को इस साइड में ये पहले लाना है, और 1 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 4, और 4 जो है वो 2 डिवाइड में था यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 2 जाएगा। क्लियर, तो ये बेसिक एंड रूल्स थे जो मैंने आपको सिखाने का ट्राई किया हुआ है, लेकिन ये रूल्स से ज्यादा आपको वैसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी बच्चों। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, इतनी गारंटी है कि यदि आपको एलसीएम सब कुछ लेना आ रहा है तो बहुत इजी होने वाला है इस चैप्टर आपको। ओके, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको थोड़े दिक्कत कर सकते हो, अदरवाइज ये जो अल्जेब्रिक सम वाले जितने भी सम है उसमें आपको शायद कोई दिक्कत हो सकेगी नहीं बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन से हम वन बाय वन स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो बच्चों माइनस टू ए इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। इसमें एक दूसरी मेथड भी है लेकिन वो थोड़ी टफ मेथड है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्या है, तो जनरली क्या होता है कि उल्टी प्रोसेस करनी होगी, यहाँ माइनस टू है तो हमें खाली एक्स चाहिए तो बाकी की चीज को उड़ाना है, तो माइनस हो तो प्लस कर देंगे, तो दोनों साइड प्लस टू करेंगे, तो प्लस टू माइनस टू कट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9। हाँ, ये सम इस टाइप के सम ऐसे छोटे वाले सम में यूज ये मेथड आपको यूज कर सकते हैं, इस मेथड को इस टाइप के छोटे वाले सम के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे बड़े क्वेश्चन हो गए, लीनियर इक्वेशन के हार्ड हो गए, तो उसमें आपको यही मेथड काम आने, डायरेक्टली ऐसे करना है, ऐसे हर बार कैसे, अब देखो 8th में हो, 9th में आओगे, 10th में आओगे, अब जो मेथड पहले से सीखोगे ना वही मेथड आपके लिए परमानेंट बनेंगी, तो बेहतर होगी कि आपको इजी एंड कम स्टेप में आंसर आए वो मेथड सीखो जिससे आपको फायदा हो। ओके, तो बच्चों फर्स्ट का हमारा आंसर 9 आया, ये और में है बेटा, कोई भी मेथड से आप कर सकते हो। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू प्लस 3 साइड आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस 3 होगा, सो द y इज इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 7, तो y इज इक्वल टू 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत इजी सम है। अब 6 इज इक्वल थर्ड नंबर का सम है, 6 इज इक्वल टू z प्लस, अब मुझे z को यदि मेन बनाना है, दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो 2 को इस साइड ला दू, ओके, तो 2 इस साइड आएगा तो माइनस 2 चला जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब 6 माइनस 2 तो क्या होगा बच्चों, 4, तो 4 इज इक्वल टू z, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू। तो आई होप फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत इजी थे, ओके, आई होप आपने एंजॉय भी किए।
अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे छोटे छोटे सम बड़े बड़े सम में कन्वर्ट होता जाएगा। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 17/7 ऐसा कुछ क्वेश्चन है। हम यदि एक्स को मेन बनाएंगे, एक्स को यदि मेन बनाएंगे तो ये जो 3/7 इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस बच्चों, तो 3/7 तो यहाँ 7 डिनोमिनेटर में है इसलिए आपको ऐसे लिख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलसीएम लेना। ओके तो 7 एलसीएम आया तो ऊपर एज यूजुअल लिख देंगे क्योंकि एलसीएम सेम है इसलिए। सो द एक्स इज इक्वल टू 17-3 क्या होगा बच्चों, 14, 14/7 तो 7 2 जा क्या होगा 40, तो हमारा आंसर एक्स इज इक्वल टू 2 आया। आई होप आप समझ रहे हो बच्चों। ओके यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हो क्वेश्चन। ओके यदि कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको सोल्व जरूर करा दूंगा बच्चों। तो यहाँ आपका आंसर 2 आया। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 6x = 12। 6 को यदि मेन बनाऊंगा मैं तो 12 जो है, अब 6 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में, यानी कि ऊपर होगी टर्म्स वो नीचे आ जाएगा और नीचे टर्म्स है वो ऊपर चला जाएगा। तो 6 को कटिंग करो तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 2। तो x इज इक्वल टू 2, इजी है ना। 6 नंबर का आंसर देखते हैं, e/5 अब इज इक्वल टू 10, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बच्चों 5, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 5 जा आंसर 50, 10 5 जा क्या होगा बच्चों 50। 2x/3 इज इक्वल टू 8, 2x/3 इज इक्वल टू 8, अब 3 है वो 18 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 18 × 3, समझ रहे आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में था 3 तो ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 18 3 जा 54। अब 2x इज इक्वल टू 54 यदि हम x को मेन बनाएंगे तो 2 जो है वो नीचे चला जाएगा 54 से, तो 54 डिवाइडेड बाय 2 तो बच्चों 2 के टेबल में तो 2 2 जा 4 1, आप ऐसे कर सकते हो यदि ना समझ में, तो 2 2 जा 4 1 14 27 जा तो आंसर आएगा आपका 27। सो द एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन का आंसर आया आपका 27। आई होप समझ रहे हो बच्चों, पक्का श्योर कोई डाउट नहीं है ना। ओके वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इज इक्वल टू y/1.5। 1.5 को यदि हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आएगा y। अब 6 सॉरी यहाँ 16 नहीं था बच्चों, 6.1.6 था, क्या था 1.6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होगा आई थिंक आपके लिए, क्यों मेन चीज ये है कि यहाँ पॉइंट वाले टर्म्स, आपको मैं थोड़ा इजी कर दूं तो नीचे डिवाइड बाय 10 कर दो। ओके पॉइंट हटेगा तो नीचे डिवाइड बाय 10 तो 515 तो 53 जा तो 52 जा, समझ में आ रहा है ना बच्चों पक्का। और 2 यहां आ जाएगा तो 28 जा 60। ओके अब ऊपर 83 जा और नीचे आएगा 10 तो 83 जा 24 तो 24/10 और क्या आएगा बच्चों y इज इक्वल्स टू 24/10 तो 2.4। आई होप क्लियर श्योर कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। 9 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है। 7x-9 इज इक्वल टू 16, सो 7x इज इक्वल टू -9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +9 होगा, -9 इज इक्वल टू के इस साइड क्या होगा बच्चों +9। सो द 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, 16+9 क्या होगा बच्चों 25। आई होप सही हो ना पक्का। अब 7x इज इक्वल टू 25 तो x को यदि हम मेन बनाएंगे तो जो 7x के साथ मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा डिविजन्स में, श्योर। 10th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये आपका लास्ट पेज होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ओके और बस आज आज के लिए इतना ही हम करने वाले, 12 ही सम खाली करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, भरपूर प्रैक्टिस करोगे।
ओके, एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपको नेट पे से बहुत सारे मिल जाते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले में भी, ऐसा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा यदि। ओके, 14y-8 इज इक्वल टू 13, ये सारे क्वेश्चन है ना थोड़े अच्छे क्वेश्चन, बाकी के आगे के क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इजी यानी कि आप सोच नहीं सकते इतना इजी था। सो द 14y-8 इज इक्वल टू 13, क्वेश्चन है 14y-8 इज इक्वल टू 13। सो द 14y इज इक्वल टू, पहले हम प्लस और माइनस का जुगाड़ करते थे, इसका मीनिंग क्या, माइनस 8 इस साइड आएगा तो प्लस 8 होगा। 13 प्लस 8 क्या होगा बच्चों, 13 प्लस 8, यस बोलो बोलो बोलो, यस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, वेरी गुड, 21। 13 प्लस 8 होगा 21, तो y इज इक्वल टू 21/14, ओके 14 डिवाइड में आ जाएगा। ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y इज इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर है। यदि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, y इज इक्वल टू 1.5, लेकिन यदि आपको याद है तो ही करो, अदरवाइज इट विल बी इनफ आंसर, 3/2 सही है आपका। ओके okay? ये भी सही भी है, ये थोड़ा हमने आगे डेसिमल में किया है, बस उतना डिफरेंट है। 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ ऐसा बोलते हैं कि सर 6p को इस साइड लाओ, नहीं बेटा याद रखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, पॉसिबल हो तब तक इजी हो ऐसे सॉल्व करो, तो 17 को हम इस साइड ले देंगे, क्योंकि हमें पी का वैल्यू तो चाहिए, पी वेरिएबल है यहाँ, तो 9 माइनस 17 होगा ऐसा बच्चों, तो 9 माइनस 17 क्या होगा, 9 माइनस 17, -8 होता है, कितना होता है बच्चों, -8, याद रखो कैसा आया, 9 17 प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, 17 की साइन माइनस है वो 8 से लग जाएगी। सो द पी इज इक्वल्स टू -8/, ये जो 6 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ उसका आधा 4, हाफ, और उसका हाफ 3, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 4 जा और 2 3 जा, सो द पी इज इक्वल्स टू -4/3, देखो क्लियर, गुड आउट। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। x/3 + 1 जो है वो इज इक्वल टू के इस साइड में आरएचएस में जाएगा तो -1 होगा बच्चों, ओके x/3। अब यहाँ ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए हम 1 ले लेते हैं, तो 15 एलसीएम यदि आया, एलसीएम निकालो तो एलसीएम आता है 50, ओके तो 50 एलसीएम आया समझ लो, तो आपको यहाँ 15 लाने के लिए क्या करेंगे, 15 15 से मल्टीप्लाई किया, याद रखना मल्टीप्लाई किया है ये टर्म, तो अब क्या हो जाएगा, 7/15 माइनस नीचे 15 ऊपर 1 15 जा 50, सो द x/3 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में 15 आएगा, 7 - 15 करो, 7 - 15 क्या होगा बच्चों, 7 - 15 तो -8 होगा अपॉन 15, समझ में आ रहा है ना बच्चों, 7 - 15, ओके। अब हमें x/3 इज इक्वल टू -8/15 मिल गया, अब 3 यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड में था, तो अब 3 को हम कटिंग कर रहे तो 3 5 जा क्या होगा 15, अब हमें ऊपर -8 बचा नीचे 5 बचा तो हमारा आंसर x इज इक्वल टू -8/5, ये हमारा फाइनल आंसर है, -8/5। वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन लिख दो पहले, तो +1 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, यहाँ कुछ ऐसे था ही नहीं पहले, इतना ही था माइनस, अब हमने डिनोमिनेटर में 1 ही था, एलसीएम हमारा 15 आया, ऊपर नीचे 15 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 15 एलसीएम लेके ऊपर 7 - 15, 7 - 15 होगा -8, x/3 इज इक्वल टू -8/15, 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू -8/5, क्लियर, श्योर, आई होप कोई डाउट नहीं है बच्चों। अब तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम बेसिक जो सीखे उसका वापस राउंड ऑफ कर लेते हैं, ओके
रिवाइंड कर लेंगे। पहले तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे बच्चों, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर वन हो, डिग्री वन हो, वेरिएबल भी वन हो और इज इक्वल्स टू इक्वेलिटी की साइन आ रही है, इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई में ऊपर है तो डिवाइड होगा नीचे, और नीचे है यदि टर्म्स तो ऊपर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे किया है, बेसिक टर्म्स काफी सारे एग्जांपल समझाए थे, ये सारे क्वेश्चंस है। ओके, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। देखो माइनस टू इस साइड आएगा तो प्लस टू हो जाएगा, प्लस थ्री इस साइड आएगा तो माइनस थ्री होगा, देख रहे हो आप। ये आपको रिवाइंड अप करने के लिए मैंने ये, ओके, ये आपका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो ये सारे क्वेश्चंस के। ओके चलो वन बाय वन में घुमाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो सभी का। जल्दी ले लेना स्क्रीनशॉट, 12 ही क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में सॉल्व किए हुए तो आपको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सारे क्वेश्चन इसके अंदर ही सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको भी आप ये इसमें से यदि देखोगे सॉल्यूशन में से तो आपको थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी प्रैक्टिस कर देनी है आपको। ओके, टू टाइम प्रैक्टिस करनी है हर एग्जाम की। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के अंदर आपको आज एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आपको एग्जाम्पल दिए हुए एक्सरसाइज आप देखोगे ना टेक्स्ट बुक के अंदर, मैं टेक्स्ट बुक की लिंक आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ, देख लेना। तो एग्जाम्पल आज का एक्चुअली होमवर्क कैसा होगा, एग्जाम्पल है 1 to 4, चार सम है खाली, ज्यादा नहीं है, चार ही सम है। तो चार सम टू टाइम प्रैक्टिस कर देनी है। ये जो एक्सरसाइज है हमारी 1 सॉरी 2.1, ओके, और वो अब वन टाइम प्रैक्टिस करते हैं। टू टाइम करो तो वेल एंड गुड है, चलो टू ही टाइम कर दो तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, कोई डाउट रहेगा, कोई भी चीज टू टाइम प्रैक्टिस करनी होगी आपको। चार सम ये, 12 सम ये, 4 और 12, 16 सम है टोटल, टू टाइम कर देना है। ओके, विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो द बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और बहुत समझ में आया होगा, इजीली मैंने ट्राई किया होगा आपको समझाने का। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए हमारी चैनल विजन ई लर्निंग को। यदि कोई डाउट डिफिकल्टी हो, कोई प्रॉब्लम हो, एडमिशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो लाइव लेक्चर्स के लिए, तो आप इस नंबर पे दिए हुए मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9157146074, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल में, जो एस्टेब्लिश है, निकोल में आया हुआ है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एंड एनसीईआरटी गुजरात बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का इंस्टीट्यूट है। यदि आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है तो प्लीज इस नंबर के ऊपर कॉल करिए और एडमिशन ले लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक केयर। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर।